हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पिक्सल एलईडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आपसे कुशवाहा एक बार फिर आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपके लिए कोई इफ़ेक्ट लेकर नहीं आया हूं, क्योंकि आज मैं एक ट्यूटोरियल लेकर आया हूं जो एलईडी बिल्ड में आप लोग गेट का लेआउट, वो गेट का डिज़ाइन कैसे बनाते हैं, ठीक है। आज मैं वो लेके आया हूँ, जैसे कि इसमें मैं आपको दिखा दूँ, ये जैसे कि ये चल रहा है, ठीक है। इस टाइप का इफ़ेक्ट है जो आप कैसे इसमें बनाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले हम यहाँ पे ये नया लेआउट लेंगे, सबसे पहले न्यू लेआउट करेंगे। पहले इसको सेव कर दें, हम एक तरीके से कुछ भी नाम दे दें इसको, ठीक है। ये सेव हो गया, हम कंफर्म करेंगे। तो चलिए आज मैं इसको पहले पूरा डिलीट ही कर दूँ, मैं फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है। मेरा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हाँ, देखिएगा इसमें सबसे पहले हम न्यू लेआउट पे जाएंगे। न्यू लेआउट पे जाने के बाद में हम, मेरा पहले से खुला है तो हम इसको नो करेंगे, आप लोग यस कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है कि आपको, देखो कितने बाई कितने बनाना है गेट का। अगर आपको बनाना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेम लेना पड़ेगा, यानी कि हाइट और विड्थ मैंने जैसे 100x100 का ले लिया है, ठीक है। इतना करने के बाद में मैं यहाँ पे कंफर्म करूँगा तो यहाँ थोड़ा एक विंडो आ जाएगा, इसको थोड़ा छोटा कर ले रहे। इतना करने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस पर जाएंगे डिज़ाइन वाले ऑप्शन पे, ठीक है। डिज़ाइन वाले ऑप्शन पे जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये एक डिज़ाइन खुल जाएगा, ठीक है। इस टाइप से हमारा ये आ गया है। हाँ, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, हमको ब्लॉक लगाना है, ठीक है। ब्लॉक का यूज इसमें हुआ है तो हम यहाँ पे जाएंगे। ये देखो लिखा हुआ है कुछ, यहाँ पे क्या लिखा है। हाँ, तो यहाँ देखिएगा, यहाँ ये लिखा है सुवेरिया लिखा है शायद, इतना मेरे को नहीं पता है, लेकिन चलो जो कुछ भी है हम इसको फ्रेम लेआउट के नाम से बताते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, इस पर हम क्लिक करेंगे तो इस पे एक, हम जैसे कि यहाँ आप अपने माउस की मदद से की दबाएंगे अपनी राइट वाली, तो यहाँ एक ब्लॉक बन के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप इतना छोड़ देंगे तो हम पहले यहाँ से इतना इसको कर दे रहे हैं, ठीक है। ये करने के बाद में यहाँ पहले हम इसको क्लियर कर दें, जिससे कि आपको समझ में आए। अगर आपको कम ज़्यादा करना है तो यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इतना करने के बाद में आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, थोड़ा मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ, इतना कर दिया, ठीक। इतना करने के बाद में हम लोग देखो यहाँ पे अपन लोग यहाँ जाएंगे, जैसे कि थोड़ा इसको हम साइड में कर देंगे, तो ऊपर इस पे जाएंगे डिज़ाइन पे, ठीक है। ये जैसे अपना कलर वगैरह जो भी सिलेक्ट अगर करना हो तो यहाँ से, जैसे कि मैं कोई कलर सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, जैसे कि 1 2 3 4 5 मैंने ये कर लिया, ठीक है, चेक कर दिया, ठीक है। चेक करने के बाद मैं क्या करूँगा, चाहिए हमें, मैं ब्लैक कलर लूँगा, ठीक है। 6 मैंने ब्लैक कलर ले लिए, 6 मैं दूसरा कलर को चूज़ कर ले रहा हूँ, चलिए एक बार दोबारा दिखा दें आप लोगों को, ठीक है। 6 मैंने ये कलर कर दिया है, 6 मैंने ये कलर कर दिया, ठीक है। इस टाइप से ठीक है, 6 मैंने ये कलर कर दिया है, और दूसरा कोई कलर देख ले रहे हैं हम, ब्लू तो पहले ही हो गया है, रेड कलर हमें लग रहा है ज़्यादा आ गया है इसलिए। तो चलिए मैं देखता हूँ, चलिए आपको कर दे रहा हूँ ये। तो मैंने देखो ये 6 कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया हूँ, ठीक है। 6 कलर यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर दिया है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, जैसे कि ये लिखा है वर्टिकल, ठीक है। वर्टिकल पर हम लोग क्लिक करेंगे थोड़ा ऊपर, तो हमारे देखिए 3 पोर्सन में आपका आ जाएगा इस टाइप से, ठीक है। 3 पोर्सन आपका क्लियर हो जाएगा, जैसे कि आपको रोटेशन वगैरह चलाना है इस टाइप से। तो मैं देखो दूसरा ही कुछ
डिफ्यूज़ में जाता हूँ, डिफ्यूज़ में जाने के बाद में एक्शन में, एक्शन बोलते हैं इसको, एक्शन जाने के बाद में डिफ्यूज़ पे जाऊँगा, ठीक है। डिफ्यूज़ पे क्या है कि ये गोल वाला चला सकते हो, चौकोर डायमंड टाइप का इस टाइप से चला सकते हो, ठीक है। इतना करने के बाद में हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको कन्फर्म कर देंगे, ठीक है। कन्फर्म के लिए क्या है कि आपको 100 फ्रेम करना है, क्योंकि उसको आपको याद रहेगा कि मैंने यहाँ पे 100 फ्रेम किया था। इतना करने के बाद में हम इसको कन्फर्म करेंगे और फिर इसको हम बैक में ले ले आएँ, वो ये वाला दबा देंगे बैक में, जिससे कि अच्छा दिखेगा। फिर यहाँ पे हम 100 फ्रेम करेंगे। इतना करने के बाद में हम इसको कन्फर्म करेंगे और फिर दूसरा कोई डिज़ाइन यहाँ पे चलाएंगे, जैसे ये मैंने डिज़ाइन चलाया है। आपको फ्रेम बस ध्यान देना है कि फ्रेम आपको कितना कितना इसमें करना है। कंफर्म कर दिया, ठीक है। कंफर्म इतना करने के बाद में अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, अब देखो इतना मैंने ये बन गया है मेरा, ये देखिए, देखा ना आपने, ये इतना मेरा ये बन गया है। ये इतना बनने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे। कॉपी कैसे होगा मैं बताऊँगा आपको। यहाँ पे जाएंगे, ये लिखा है कॉपी का, कॉपी करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट करेंगे, कॉपी हो जाएगा मेरा। और यहाँ पे इसको हम एडजस्ट करेंगे इस टाइप से, इस टाइप से एडजस्ट करेंगे। देखो ये वाला ऑप्शन हो सकता है आपके यहाँ ना लगाओ, को इंसर्ट पे लगाओ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कवर पे कर देना है। कवर पे करने के बाद में अब हम लोग देखो यहाँ पे पहले फर्स्ट वाले पे जाएंगे। फर्स्ट पे जाने के बाद में यहाँ से हम पेस्ट करेंगे इसको, ठीक है। पेस्ट कर देंगे और यहाँ आपका इंसर्ट पे लगा होगा, ठीक। यहाँ पे आपको कवर पे लगाना है और डिफ़ॉल्ट पे लगा देना, ओके कर देना, ठीक है। ये आपका हो गया है। जैसे कि आपको ये अभी आगे पीछे चल रहा है ना, तो आपको क्या करना है, इसको हटाएंगे, यहाँ से क्लिक कर देंगे। देखो हमारा एक से एक जैसा चल रहा है। एक जैसा चलने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, अब आप लोग देखो देखिएगा, ये देखो जैसे कि अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ सिर्फ, जिससे कि आप लोग इस वीडियो को फॉलो करके आप लोग इसको फॉलो कर देख सकें कि बना सकें अपने उस पर डिज़ाइन। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि मेरी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को पहुँच जाए। वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो कैसा लगा हुआ है आपको, और वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है, तभी समझ में आएगा इसमें। तो चलिए अब हम दूसरे स्टेप की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पहले हम इसको स्टॉप कर देंगे, ठीक है, स्टॉप कर देंगे। यहाँ पे हम लास्ट पे ही चले जा रहे हैं और फिर से हम इस पर क्लिक करेंगे ब्लॉक वाले ऑप्शन पे। और यहाँ से हम इतना पहले हम इसको देख लेंगे, ये हमारा ऊपर कहाँ तक जा रहा है, इतना आ गया, ठीक है। यहाँ से हम नीचे से ही ब्लॉक लगा दे रहे हैं इसको, सेम नियॉन प्ले जैसा ही है ये, बस थोड़ा इसमें अलग है और कुछ नहीं है। नियॉन प्ले जैसा ही है, जैसा नियॉन प्ले में होता है ना, वैसा ही इसमें फंक्शन है और कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। थोड़ा हम इसको नीचे एडजस्ट कर दे रहे हैं। इतना करने के बाद में अब फिर से हम लोग कोई डिज़ाइन वगैरह, कुछ दूसरा डिज़ाइन चूज़ कर ले रहे हैं। डिफ्यूज़ वाले पे जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। आपको क्या करना है, आप देखो यहाँ पे मैंने तीन लिखा था वर्टिकल वाले ऑप्शन पे, अब आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वाले पे जाना है। हॉरिजॉन्टल वाले पे आपको इस पर जैसे चार मैंने बना दिए, एक दो तीन चार पाँच हो गए ना, तो हम तो इसको थोड़ा एक चार कर दे रहे, ठीक है। इस टाइप से ये अच्छा भी लगेगा और आपको दिखेगा भी बढ़िया तरीके से। यहाँ पर हम 100 फ्रेम कर दे रहे हैं। इतना करने के बाद में हम देखो कन्फर्म करेंगे, फिर से हम नीचे वाले पर जाएंगे, यहाँ पे भी हम 100 फ्रेम कर दे रहे हैं। ये करने के बाद में हम इसको फिर से कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद में अब हम लोग कोई डिज़ाइन दूसरा वाला लेंगे, ये वाला, इसको भी हम कंफर्म कर दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग तो देखिएगा ये, जब आप लोग काम करेंगे इसमें तो अपने आप ही आपको समझ में आने लगेगा कि इसमें कैसे क्या हो रहा है। बस आपको एक बार वीडियो को अच्छे तरीके से देखना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। इतना करने के बाद भी अब हम लोग फिर से वो रोटेशन वाले ऑप्शन पे जाएंगे, ये वाले पे, जैसे कि हमारा डिज़ाइन चल रहा है, इसको 100 फ्रेम पहले से ही है। ठीक है, इस टाइप से करने के बाद में आप लोग देखो अच्छे से, भी तो मैं समझा रहा हूँ और कुछ नहीं, तो मेरा हो सकता है थोड़ा
सही ना बनना हो तो आप जब बनाएंगे तो आप लोग अच्छे से बना लेंगे। तो अब हम देखो यहाँ पे जाएंगे जहाँ से हमारा ऊपर वाला ब्लॉक का स्टार्टिंग हुआ है। तो हमारे ब्लॉक का स्टार्टिंग हुआ है 400 से, ठीक है, यहाँ से हुआ है। ठीक है, तो हम इसको इतना देखो पीछे कट कर देंगे इतना, यानी कि इसको कॉपी कर लेंगे। यहाँ कॉपी पे जाएंगे, एंड कर देंगे। फर्स्ट फर्स्ट नहीं करना है क्योंकि आपने यहाँ से इसको कॉपी किया है, और कंफर्म कर देंगे हमारा कॉपी हो जाएगा। हम यहाँ इस फ्रेम को ले जाएंगे अपने, सीधे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, और यहाँ से फिर वही, अगर जैसे कि आपका यहाँ पे हो तो आपको कवर पे क्लिक करना है, और यहाँ जाके आपको पेस्ट कर देना, ठीक है, कवर पे। और ओरिजिनल डायरेक्शन पे जाएंगे और डिफ़ॉल्ट के ऑप्शन पे जाएंगे, कंफर्म कर देंगे। ठीक है, हमारा फ्रेम रेडी हो जाएगा उस टाइप से। ये देखिएगा इस टाइप से हमारा, ये देखो पहले सारे इस टाइप से देखिएगा, ये अपने अपना लोगों का बन गया है, इफ़ेक्ट इस टाइप का बन गया है। और आप लोग ट्राई कीजिएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बस वीडियो आपको अच्छा से एक बार देखना पड़ेगा और कुछ नहीं। ये मेरे आगे पीछे इसलिए चल रहा है क्योंकि कहीं फ्रेम है जो कम ज़्यादा हो गया, इसलिए। और जैसे कि अपना यहाँ से जैसे गड़बड़ हो जाता है, इतना नीचे का नहीं चल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम इस ब्लॉक को हटा दे रहे हैं। ठीक है, ब्लॉक को हटाने के बाद क्या करेंगे, हम लोग ब्लॉक को, इसको हटा दिया, ठीक है, ये अब हमारा ये इतना हट गया है, तो हम इसको स्टॉप करेंगे और यहाँ से लेके हम थोड़ा बैक में जाएंगे। ठीक है, इतना करने के बाद में या तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं या तो फिर यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। यहाँ लास्ट पे जाएंगे, कंफर्म कर देंगे, तो हमारा ये इतना पूरा अच्छे से बन गया है। ठीक है, स्टेप से ये बन गया है मेरा। और इसके ऊपर के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से जाएंगे हम ब्लॉक वाले ऑप्शन पे, और यहाँ से हम एक ब्लॉक फिर से सिलेक्ट करेंगे। इस टाइप से मैंने बना लिया, ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर कर दे रहे हैं, ये हमारा बन गया है। और फिर से हम लास्टी वाले पे चले जा रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई हम अलग डिज़ाइन चला दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको ऊपर है जो सिंगल ही रहने देना, सिंगल बॉडी तो अच्छा लगेगा उसमें। जैसे कि ये है, ये मैंने इतना यहाँ पे कंफर्म कर दिया है, फिर हम इसको भी इतना कंफर्म कर दिया है यहाँ पे, और थोड़ा यहाँ पे जाएंगे वी वाले शेप पे। ठीक है, यहाँ ये मोशन है, आप इसमें से कोई सी भी डिज़ाइन डाल सकते हैं इसमें, बस गेट के लायक हो, अच्छा दिखे। जैसे कि ये हमारा है, ये देखिएगा दोनों साइड से चल रहा है, तो ये अच्छा भी दिख रहा है। तो हम इसको, या आपको एक साइड से वी शेप में चलाता रहेगा ये वाला, राइट से लेफ्ट साइड। और जैसे कि मैं दोनों साइड से करूँगा, तो यहाँ पे देखो इस पे लिखा है वी डुअल ऑफ साइड। ठीक है, उस पे जाएंगे तो आप कन्फर्म कर देंगे, कन्फर्म करेंगे तो ये हमारा इतना बन जाएगा। अब इसको भी हम क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ से कितना मेरा बना हुआ है। ये हमारा बहुत बन गया क्योंकि लास्ट वाला कट ही जाएगा, मुझे पता है। यहाँ से करेंगे इसको हम, हाँ इसको भी हम कॉपी करेंगे यहाँ से, ये भी लास्ट का कट जाएगा, मुझे पता है, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ बताया हूँ। और जैसे कि आप करेंगे तो और भी अच्छा बनेगा, और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जाएंगे हम फर्स्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, कवर पे सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे बस पेस्ट कर देंगे, आपका डिज़ाइन बन गया। और चेक करने के लिए यहाँ से ब्लॉक को हटा देंगे, तो हमारा इस टाइप से ये डिज़ाइन बन जाएगा। देखिएगा अच्छा दिख रहा है, और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि वीडियो हमारा कैसा लगा है, किस टाइप से, और कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि मुझे यह प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे हम पहले स्टॉप कर दें इसको, और इसको मैं उतना ही काट दे रहा हूँ जहाँ तक ये हमारा अच्छे से चल रहा है। ये हमारा इतना अच्छे से चल रहा है, तो हम इतना यहाँ से काट देंगे, यहाँ पे जाएंगे और लास्ट वाले पे क्लिक कर देंगे, बस आपका ये डिज़ाइन प्रॉपर से बन गया है। ठीक है, स्टेप से बन गया।
आप लोग देख लेना किस टाइप से ये है, लेकिन अच्छा बनेगा और कोई दिक्कत नहीं। और प्रॉब्लम अगर आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा कि मुझे क्या प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे, तो मैं आपको कमेंट में बता दूँगा। वो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पे भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपका जवाब जल्द से जल्द मिल जाता है। तो इसको सेव करने के लिए क्या करेंगे, इसको स्टॉप करेंगे, ये हमारा AVI में जनरेट होगा, ठीक है, इसमें AVI में जनरेट होगा। तो इसमें हम यहाँ पे जाएंगे फाइल पे, LED इजी वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे सेव कर देंगे। तो ये हमारा देखिएगा लिखा है सेव AVI, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव कर देंगे कोई नाम से, सेव हो गया। इसको मैं मिनिमाइज़ करके दिखा दूँगा आपको, ये देखिएगा जैसा कि ये हमारा ये चल रहा है इस टाइप से, ठीक है। ये इसको आपको SWF में कन्वर्ट करना पड़ेगा और अपने LED 2014 में लेआउट बनाना पड़ेगा, तभी ये चलेगा 3D गेट का, ठीक है। इसको 3D गेट ही बोलते हैं एक टाइप से। तो चलिए, थैंक यू वीडियो को पूरा देखने के लिए।